तो मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ये वीडियो मैं 3-4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए मैं 3-4 पार्ट में इसको बनाऊंगा। तो आपको और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक ये मैंने PDF फाइल, ये जानकारी कलेक्ट करके PDF फाइल तैयार की है। तो इसमें ठेकेदारों के पंजीयन हेतु पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। तो इसमें क्या रहता है, किसी भी विभाग में यदि आपको कार निर्माण कार्य का ठेका लेना है तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, और इसके लिए दस्तावेजों और शर्तों की जानकारी जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देख लेते हैं क्या है। तो जो नवीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पूर्व ठेकेदार के पास जो होता है डिजिटल क्लास 3 का सर्टिफिकेट, ये चीज़। डिजिटल क्लास 3 सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट टेक्निकल ब्यूरो में मैंने डिजिटल क्लास 3 सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अदरवाइज मैं इसका भी एक वीडियो बना दूँगा यदि आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। तो नवीन रजिस्ट्रेशन हेतु लोक निर्माण की वेबसाइट होती है, ये है मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की एक वेबसाइट है, ये मैं बता रहा हूँ कौन सी वेबसाइट है। ये है pwd.mponline.gov.in। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए, मैंने पहले से फॉर्म खोल के रखा हुआ है। इसमें आप कुछ क्वेश्चनेयर है, इसमें ये क्या आप मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इसमें नहीं कर देना। आवेदन का प्रकार स्वयं के लिए है या भागीदारी फर्म या कंपनी जिसके भी नाम से है। आवेदक का नाम, स्थायी पता, हाउस, स्ट्रीट नंबर, ये सब भर के पूरा फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लगेगी, फिर उसके बाद क्रिएट यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ता है, यूज़र आईडी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें 500 के चार्जेस लगते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। पोर्टल शुल्क जो होता है 500 रुपये, ऑनलाइन जमा करने पर उसका यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसका आईडी पासवर्ड जो होता है आपको मोबाइल या ईमेल के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट विभाग के रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अंतर्गत 500 अंतर्गत जो होता है फॉर्म फिलिंग फी डिपॉजिट लिंक में जाकर निर्धारित दस्तावेज संलग्न करने के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर का फॉर्म भरें। डिजिटल सिग्नेचर कर जो होता है फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म भरने के उपरांत 3 कार्य दिवस के भीतर प्राइमरी अनुमोदन का मैसेज आपको प्राप्त होता है मोबाइल पे। मैसेज प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा फॉर्म फिलिंग या फी डिपॉजिट लिंक में प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड को इंद्राज कर निर्धारित शुल्क जो होता है 25,000 रुपये भरना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से 25,000 रुपये भरना पड़ता है। थोड़ा सा फ़ोन आ गया इसलिए डिस्टर्ब हो, सॉरी दोस्तों। फिर उसके बाद फीस जमा करने के 3 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, यानी कि आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर 25,000 आपको फी डिपॉजिट लिंक से 25,000 जमा करना है, फिर आपको यहाँ से आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आप सेल्फ के नाम से या प्रोपराइटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड की स्क्रीन कॉपी लगेगी, GST सर्टिफिकेट लगेगा। स्वहस्तांतरित घोषणा पत्र जो कि वेबसाइट पे ऑलरेडी है वो आपको भर के भेजना पड़ेगा। और यदि इलेक्ट्रिकल में कुछ करवाना चाहते हैं तो ये चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा जारी फॉर्म के नाम से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ एक बनवाना पड़ता है, वो ये आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये मुझे लगता नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्म पार्टनरशिप डीड, इसकी ज़रूरत होती है। इन सब में किसी भी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी के लिए पैन कार्ड, कंपनी का GST सर्टिफिकेट,
सेल्फ डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रश्न जिसमें कंपनी का नाम दर्ज हो तथा प्रश्न जिसमें डायरेक्टर का नाम दर्ज हो वो वाला अपलोड करना है। फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये विद्युत विभाग से जारी होगा, ये डालना है। फिर इसके बाद फॉर्म फिलिंग के दौरान कंपनी के केस में जो होता है एंट्री किए गए डायरेक्टर्स के नाम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित डायरेक्टर का एक समान नाम होना चाहिए, ये आप ज़रूर कंफर्म कर लें। पैन कार्ड में अंकित नंबर और नाम फॉर्म फिलिंग के दौरान दर्ज किए गए नंबर और नाम एक समान होने चाहिए, ठीक है। जीएसटी सर्टिफिकेट में अंकित नाम और नंबर, कंपनी के सर्टिफिकेट, कंपनी के केस में नंबर और डायरेक्टर का विवरण सभी संबंधित विभागों की वेबसाइट में सत्यापित किया जाएगा। ये सत्यापित करना पड़ेगा, ये जो अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये वहाँ पर सत्यापित होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रजिस्टर फॉर PWD कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। सो ऑफ आप कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको नंबर भी दे दूँगा जिससे मुझसे बात करनी है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी है तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।